Assalamualaikum friends, welcome back to Half Acre Dubai। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों काफी देर बाद फिर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो रीजन वही है कि पहली रीजन तो ये है कि सामान काफी लेट हो रहा है। पहले जिस क्वान्टिटी में सामान इन हो रहा था अभी नहीं हो रहा, लास्ट टाइम इम्पोर्ट ओपन हो गई है मगर फिर भी सामान अभी उस कंडीशन में नहीं आ रहा। सेकेंड पोजिशन ये है कि पाकिस्तान के हालात देखते हुए जो प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई हुई हैं, जो सैलाब की वजह से मामला बिगड़े हुए हैं, इस वजह से काफ़ी जो है हर तरफ ही कारोबार में काम में जो है स्लो है, हर एक काम स्लो है। तो इस बिना पे भी जो है अभी वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा, चैनल पे भी वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मगर मेरी कोशिश यही होती है कि जब कोई नया स्टॉक आए या कुछ स्टॉक इकट्ठा हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ ताकि आपको रेट जो है वो अपडेट हो जाए और आपको पता लग जाए कि रेट मार्केट में चेंजिंग क्या है, ये रेटों में और कौन कौन से मॉडल्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास LG के जो मॉडल्स अवेलेबल हैं और जो आए भी हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, जिसमें आपको LG V30, G7, G8, V50S, G8X ये चार मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा और इनकी कंडीशन भी बताऊंगा और आपको इनकी डिटेल भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आपने ये वीडियो देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास LG V30 का भी एक फोन पड़ा हुआ है, जिस तरह के आप देख सकते हैं कंडीशन वाइज बैक पर इसकी जो है शीटिंग हुई हुई है, स्क्रीन लगी हुई है और साइडें इसकी क्लियर है बिल्कुल, तकरीबन सारी साइडें क्लियर है, फ्रंट भी क्लियर है। हल्का सा यूज का इसके ऊपर शेड होगा, ज्यादा नहीं होगा मगर हल्का सा यूज वाला शेड इसके अंदर होगा। तो 4GB रैम 64GB बिल्ट इन मेमोरी में ये फोन आपको मिल जाता है, कंडीशन साफ है, 4/64 में ये फोन आपको मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 835 इसके अंदर लगा होता है, जो नॉर्मल रेंज वाले लोग हैं उनके लिए बेस्ट फोन है और वो बाय भी कर सकते हैं और इसके अंदर स्पेक्स भी अच्छे होते हैं, इन्फिनिक्स टेक्नो के अंदर स्पेक्स अच्छे होते हैं क्योंकि वाइड एंगल कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, स्टैंडर्ड भी मिलता है, फिंगर लॉक भी मिल जाता है आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको इसके अंदर जो है OLED AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि हर एक फोन के अंदर नहीं होता है, कम रेंज वाले फोन के अंदर नहीं होता, वीवो ओप्पो जो भी आप देखेंगे उसके अंदर AMOLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादातर AMOLED डिस्प्ले फ्लैगशिप फोन के अंदर ही आता है। तो आपको इसके अंदर AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, इसके अंदर आप गेमिंग करनी हो तो आप गेमिंग भी आसानी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो लास्ट टाइम V30 हमने सेल किया था 22-23 हजार में भी हमने सेल किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें हल्का सा शेड है, इस वजह से आपको जिस तरीके मेरे से फोन चाहिए होगा उसे 16.5 हजार में मेरा फोन मिल जाएगा, 16,500 आपका ये फोन मिल जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा मेरा मॉडल है दोस्तों LG G7, जिस तरह की आप देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल साफ है। लास्ट टाइम भी मैंने शायद दिखाया था आप लोगों को मॉडल ये वाला LG G7 में, काफी सारा मेरे पास स्टॉक आया था, पर स्टॉक तो खत्म हो गया था, अब ये कुछ पीस ही मेरे पास पड़े हैं। साइडें बिल्कुल क्लियर है इस फोन की, कंडीशन भी बिल्कुल साफ है, बैक भी बिल्कुल क्लियर है, फ्रंट भी, कोई इसके अंदर शेड नहीं है, कोई इसके अंदर डॉट भी नहीं है, आपको कोई डॉट या शेड इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पेक्स की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 4GB रैम 64GB बिल्ट इन मेमोरी में आपको LG G7 मिलता है, IPS डिस्प्ले के साथ आपको ये मिलता है, जो कि बैटरी स्ट्रेंथ जो है वो बैटरी की लाइफ है वो बढ़ा देता है IPS डिस्प्ले, क्योंकि LED नहीं होता IPS होता है, इस वजह से आपका जो है बैटरी टाइम जो है वो इस फोन के अंदर बढ़ जाता है और काफी पूरा दिन आपका नॉर्मल यूज पे ये निकाल जाएगा। 4GB रैम होती है, 64GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी होती है, स्नैपड्रैगन 845 में ये फोन आपको मिल जाता है, गेमिंग फोन है, गेमिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, 60 FPS पे इसकी कैमरा रिजल्ट होता है, काफी स्टेबिलिटी होती है इसके कैमरे की अगर आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो। अगर स्पेक्स के बाद प्राइस की बात करें इसके तो प्राइस लास्ट टाइम इसकी 24-25 हजार ही थी, लास्ट टाइम मैंने शायद आपको यही प्राइस बताई थी अपने चैनल पे, मगर जिस भाई को ये फोन चाहिए होगा उसे 20,500 रुपए में फोन मिल जाएगा मेरे से। दोस्तों अगला फोन है LG G8, जिस तरह के आप जानते हैं 6/128 में आता है, AMOLED डिस्प्ले में आता है, नॉच डिस्प्ले में आता है, आप देख सकते हैं ये इसका डिस्प्ले होता है नॉच और ये इसकी बैक साइड है, साइडें बिल्कुल साफ है, तकरीबन सारी साइडें साफ है इसकी, क्लियर फोन है,
6 GB रैम है, 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है। स्नैपड्रैगन 855 में ये फोन आपको मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा फोन है। 7 nm में आ जाता है इसका प्रोसेसर, 7 nm में आपको बैटरी जो है गेमिंग में लैगिंग नहीं आएगी आपके, और अच्छी गेम चलेगी अगर आप गेमिंग यूजर है, गेम यूज करना चाहते हैं। और अगर आप इसके कैमरे के लिए फोन बाय करना चाहते हैं तो कैमरे के लिए भी आपको ये फोन यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें 3 कैमरे लगे होते हैं। एक स्टैंडर्ड कैमरा आपको मिलेगा, ऑप्टिकल मिलेगा, वाइड एंगल मिलेगा, 3 कैमरे आपको इसके अंदर, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। क्लासिकल कैमरे है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव इसका रिजल्ट होता है। जब आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो में भी आपको काफी क्लियरिटी आपको रिजल्ट में मिल जाती है इसके। दूसरी चीज की कैमरे की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये आपको जो है रिजल्ट वाइज, फ्रेम वाइज भी आपको ये दे देगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको मैं, जब आप इस फोन के अंदर वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो का जो रिजल्ट होता है वो अल्ट्रा HD तक ये फोन आपका बना देता है, जो मुझे चीज अच्छी लगती है। काफी कम रेंज वाले फोनों में आपको 60 FPS पे वीडियो नहीं मिलती है बनाने के लिए, जो कि टेक्नो इन्फिनिक्स या वीवो ओप्पो के फोन होते हैं उसके अंदर, मगर ये फोन के अंदर आपको 60 FPS अल्ट्रा HD में आपको वीडियो बनाने की मिल जाती है स्टेबिलिटी, जिसमें आप जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। काफी लोगों की डिमांड होती है कि यार हमें 60 FPS पे 4K में वीडियो चाहिए या 8K में चाहिए, पर यह फोन जो है अल्ट्रा HD 60 FPS तक सपोर्ट करेगा आपको। दोस्तों अगर इसके रेट के हवाले से बात की जाए तो रेट इसके लास्ट टाइम भी 32-33 ही थे, पर इसके रेट ना बढ़े हैं और ना कम हुए हैं, क्योंकि स्टॉक पीछे से इन नहीं हो रहा, अभी रेट अपडेट नहीं हो सकते इसके, तो ये फोन आपको 33,000 में ही मिलेगा मुझसे। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास LG V50S आपको मिल जाएगा, कंडीशन में आपको चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंडीशन तकरीबन बिल्कुल साफ है, साइडें भी साफ है, फ्रंट भी साफ है, बैक पे हल्के फुल्के यूजफुल होंगे, स्क्रैच के जो यूज करते वक्त आ जाते हैं वो हल्के फुल्के स्क्रैच होंगे, कोई शेड कोई डॉट इस फोन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्पेक्स की बात करूं तो 8 GB रैम, 256 GB बिल्ट इन मेमोरी में ये फोन आपको मिल जाता है। PTA अप्रूव फोन है, इसका ड्रॉप डिस्प्ले होता है हल्का सा, आप देख सकते हैं कि नॉच नहीं होता, हल्का सा ड्रॉप डिस्प्ले होता है, कैमरा ही सिर्फ इसका है, बताया सारा डिस्प्ले इसका क्लियर होता है। 855 में ही ये स्नैपड्रैगन में आपको मिलता है, 7 nm प्रोसेसर होता है, 4000 mAh बैटरी इस फोन की होती है, जो कि आपको जो है OLED के होने के साथ साथ आपको बैटरी टाइम भी इसका फुल डे तकरीबन मिल जाता है OLED के साथ। पैनल इसका OLED लगा होता है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, 7 nm प्रोसेसर है, 8256 सिंगल सिम 5G फोन होता है, G8 भी 5G ही होता है। दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लास्ट टाइम इसके प्राइस मैंने आपको 34 या 35 शायद बताए होंगे, पर इसके प्राइस इस वक्त जो है 36 है, या आपको जिस भाई को भी चाहिए होगा 36,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास जो स्टॉक में, जिस तरह की आपने देखा होगा, G8X की मैंने बात की थी, G8X मेरे पास आए हुए। बेसिकली ये फोन जो है ये सिम लॉक में है, सिम लॉक हुई हुई है, फोन बिल्कुल साफ है, कंडीशन वाइज बिल्कुल साफ है, ब्रांड न्यू फोन्स हैं सारे। मेरे पास काफी स्टॉक इसका आया हुआ था, काफी सेल भी हो गया। तो इसके स्पेक्स में आपको बता देता हूँ, 6 GB रैम होती है इसके अंदर, 64 GB इसकी बिल्ट इन मेमोरी है, डिस्प्ले इसका बिल्कुल V50S जैसा होता है, लुक और बैग वगैरह भी इसकी बिल्कुल सेम V50S जैसी होती है। अगर आपने V50S यूज किया है तो आपको मेरी बात से आइडिया हो जाएगा। डिस्प्ले अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम है इसका, बैग भी बिल्कुल सेम है 50S, मगर मॉडल डिफरेंट है, अंदर सॉफ्टवेयर डिफरेंट है और स्पेक्स डिफरेंट है। 6 GB रैम, 64 GB बिल्ट इन मेमोरी में ये फोन आपको मिलता है, जापानी वेरिएंट ये फोन होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये हमने फिलहाल सिर्फ गेमिंग के लिए मंगवाया है। 6 GB 64 GB स्नैपड्रैगन 855, 7 nm प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए हमने फोन मंगवाया क्योंकि फिलहाल इसके अंदर सिम अवेलेबल नहीं है, सिम नहीं चलेगी, इस वजह से ये फोन आप बाय कर सकते हैं सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के लिए, या सिर्फ आप अगर गेमिंग करनी है, अच्छा फोन चाहते हैं, कम रेंज में चाहते हैं, तो ये फोन आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं प्राइस के हवाले से बात करूँ G8X की, तो ये फोन आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 में मिल जाएगा, 21,000 में आपको ये फोन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फोन है, जिस किसी ने गेमिंग के लिए फोन लेना हो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो फ्रेंड्स सब फोन्स की मैंने आपको प्राइस भी बता दी है, डिटेल भी बता दी है, स्पेक्स भी बता दिए हैं। अगर मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है,
आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल हमारा बहुत ग्रो कर चुका है पहले से। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।